जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी माओं के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम अपने बच्चे को खीरा कब से दें, कितना दें, कैसे दें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि खीरा आपको बच्चे को कब से खिलाना है। तो आप खीरा बच्चे को 6 महीने से ही खिलाना स्टार्ट कर सकती हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दीजिए और उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकती हैं। जब शुरू करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप बच्चे को 6 महीने का हो गया उसके बाद से आपने देना शुरू किया, तो जब भी कोई नया फूड ऐड करे, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कोई नया फूड ऐड करे तो आप 3 से 5 दिन तक कोई भी दूसरा नया फूड ना ऐड करें। 3 से 5 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि वो बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा, या उससे बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। और अगर कोई एलर्जी हो रही है तो आप उस टाइम स्किप कर दीजिए, कुछ महीने बाद उसको फिर से ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप खीरा दे रही हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर खीरे का छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड है, कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े खीरे होते हैं, छिलका बहुत हार्ड होता है, तो ऐसे खीरा अगर है तो आप उसका छिलका निकाल कर ही दिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उससे बच्चे के गले में फंस सकता है, अटक सकता है। और इसके साथ ही साथ जब आप बच्चे को खिलाना शुरू करती हैं, जैसे कि 6 महीने से आपने खिलाना शुरू किया, तो उसको आप कभी भी सीधा खीरा या उसके हाथ में पकड़ा मत दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे अक्सर गले में अटका लेते हैं। उसके लिए आप खीरे को अच्छे से मैश कर दीजिए या उसकी प्योरी बना दीजिए, जिससे बच्चा आसानी से उसे निगल सके। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और उसके अलावा कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि खीरा थोड़ा ठंडा होता है, ठंडी तासीर होती है इसकी, तो बहुत सारे बच्चों को सर्दी हो जाती है। तो जब आप खीरा दें तो इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों को एकदम सुबह मत दें और रात में मत दें, आप बच्चे को दिन के टाइम खीरा दीजिए, तो उससे बच्चे को सर्दी नहीं होगी। जब आप बच्चे को खीरा दें तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि खीरे के जो छिलके होते हैं, खीरे के छिलके में कड़वाहट होती है हल्की सी, तो आपको खीरा देते टाइम ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि उसमें कड़वाहट ना हो, कड़वा खीरा नहीं देना। आप उस थोड़ा सा चख के खा के टेस्ट कर लें, जब वो सही हो तभी बच्चे को दें। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो इसकी कड़वाहट होती है वो बच्चे की सेहत के लिए और बच्चे के मुंह के टेस्ट के लिए, दोनों के लिए अच्छी नहीं है। और हम बात कर लेते हैं कि खीरे में क्या क्या गुण है जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे को खीरा देना चाहिए। तो खीरे के अंदर लगभग 95% उसमें वाटर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। और इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स होता है और इसमें विटामिन ए होता है, जो आपके बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा इसमें विटामिन के पाया जाता है, जिससे बच्चे की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, हड्डियों में मजबूती आती है। और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तो इस वजह से बच्चे का दिमागी विकास अच्छा होता है। और इसके साथ ही साथ इसमें फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे बच्चे की आंतों को मजबूती मिलती है। अगर बच्चे को कब्ज रहता है तो भी कुकुम्बर बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फाइबर होता है और साथ ही साथ पानी भी होता है बहुत अच्छी मात्रा में। इसके साथ ही साथ इतनी अच्छी मात्रा में पानी होने की वजह से बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चे की स्किन गर्मी में भी ड्राई नहीं होती है, बहुत से बच्चों में ड्राइनेस आ जाती है गर्मियों के मौसम में स्किन में, तो ड्राइनेस नहीं फील होगी, बच्चे की स्किन ग्लो करेगी अगर आप बराबर उसको देती हैं। तो ये इतने ढेर सारे फायदे हैं जो अगर आप अपने बच्चे को खीरे का सेवन कराती हैं तो आपके बच्चे को मिलने वाले हैं।